वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पे पहली बार आए प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए। विकलांग मूवी में हम लोग जर्नी कर रहे हैं, कुछ अलग ही बात थी। गुड इवनिंग गाइस, मैं हूँ प्रदीप मौर्या और आप देख रहे हैं ट्रेन ट्रैक। आज की जो जर्नी मैं करने वाला हूँ, एक छोटी सी जर्नी होने वाली है मथुरा जंक्शन से। ट्रेन नंबर 126 टू ए नई दिल्ली बेंगलोर सिटी कर्नाटका एक्सप्रेस की होने वाली है और मैंने यहाँ पे बोर्ड कराया है मथुरा से। आप देख सकते हैं डिपार्चर भी हो चुका है, पहले मैंने आप लोगों को नहीं ये शेयर करा। और मैं यहाँ से आप लोगों को लेके जाने वाला हूँ ग्वालियर तक, और ये अराउंड 100-150 किलोमीटर की जर्नी है। दो ढाई घंटे में कवर करने वाली है। और एक चीज़ इंटरेस्टिंग और बता दूँ आप लोगों को, जैसा कि देख सकते हो ये विकलांग मूवी में हम लोग जर्नी कर रहे हैं, कुछ अलग ही बात थी, बाद में बताऊंगा आप लोग। चलिए, हमारा नेक्स्ट हॉल्ट होने वाला है आगरा कैंट। मिलते हैं आगरा कैंट में आप लोग। जैसा कि देख सकते हैं आप लोग, पहले ही आप लोग को बताया कि हम लोग ये जो जर्नी कर रहे हैं ये विकलांग बोगी में है, और यहाँ पे सिर्फ कुछ हमारे साथ बंदे लोग हैं और दो जने यहाँ के कुछ गुरु लोग हैं। ऐसा विकलांग बोगी में सिर्फ चार ही है, ऊपर फैन लगा है और यहाँ पे डोर है, ये इस तरफ भी डोर, और यहाँ पे पूरी तरह से पैक है यहाँ पे। और यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं कितना लंबा सा ये सब बाथरूम वगैरह बेसिंग टॉयलेट वगैरह वेस्टर्न लगा है यहाँ पे। बस ये हमारा रहा मथुरा सिटी, निकल चुके हैं हम लोग मथुरा से। यहाँ पे हमारे सिर्फ चार सीट है, दो ऊपर दो नीचे। ये रहा इसे कुछ, ये देखो डेकोरेशन वगैरह। चारों तरफ लाइटिंग है, साउंड है। कर्नाटक एक्सप्रेस न्यू दिल्ली से चलकर भोपाल अराउंड 50 किलोमीटर जर्नी कंप्लीट करने के बाद हम आ चुके हैं मथुरा के बाद पहला हॉल्ट आगरा कैंट, जिसका स्टेशन कोड है AGN। और यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो यहाँ पे सिर्फ 6 प्लेटफॉर्म है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन है, देख सकते हो आप इस तरफ कुछ भी ट्रेन नहीं है। रात का टाइम है, नाइट में जर्नी कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। 2 मिनट का हॉल्ट है और मैं हूँ एकदम पीछे की तरफ, मैं आपको बता दूँ, जैसा कि देख सकते हो आप यहाँ से कर्नाटक एक्सप्रेस यहाँ पे न्यू दिल्ली माल वगैरह निकाल रहे हैं। भोपाल भुसावल के रास्ते बैंगलोर सिटी को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक एक हम जाने वाले हैं हमारा नेक्स्ट हॉल्ट ग्वालियर तक। ग्वालियर अराउंड 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगने वाला है। और इस तरफ कर्नाटक एक्सप्रेस है, पीछे की तरफ है न्यू दिल्ली स्टेशन प्लेटफॉर्म बैंगलोर सिटी वाया भोपाल भुसावल। न्यू दिल्ली से चलकर भोपाल भुसावल के रास्ते बैंगलोर सिटी को जाने जैसा कि एक चीज़ आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि ये आगरा कैंट पे सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट था।
और परफेक्ट ऑन टाइम ये ट्रेन यहाँ से डिपार्चर कर दिया। थोड़े ही देर बाद अचानक से ट्रेन रुक गई और पता चला कि यहाँ पे कुछ माल वगैरह लोड किया जा रहा है, तो इसके लिए यहाँ पे 5 मिनट डिले हो गया और उसके बाद फाइनली ये ट्रेन यहाँ से डिपार्चर कर चुकी है, जैसा कि आप लोग देख रहे हो। अब हमारा नेक्स्ट हॉल्ट होने वाला है ग्वालियर। और बात करूँ ट्रेन का डिले वगैरह का, तो कुछ खास नहीं है, 5 से 10 मिनट का डिले से चल रही है ट्रेन आगरा कैंट। हम लोग डिपार्चर कर रहे हैं, अब हमारा नेक्स्ट हॉल्ट होने वाला है ग्वालियर जंक्शन। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए। प्लेटफॉर्म क्रमांक 1